जय गुरुदेव। अक्सर आपने यह सुना होगा कि दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती है। इसी प्रकार हमारे घर में या कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा हो, यदि वो व्यक्ति बीमार रहता है, हर दिन उसे गोलियां खानी पड़ती है, या फिर हमारे घर में बेड रेस्ट में है जहां पर वो उन्हें सुलाया जाता है, या फिर आप जिस जगह पर सारी दवाइयां रखते हैं उस जगह पर एक छोटा सा उपाय आप कर दो तो दवा से ज्यादा दुआ काम करने लग जाएगी और दुआ का असर तुरंत देखने मिलेगा और बीमार व्यक्ति अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगेगा। जब कोई बीमार व्यक्ति अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लग जाता है तब उसे उसके शरीर में इतना पावर सेंस बढ़ने लगता है कि उसकी हर बीमारी को आधा दूर हो जाती है। तो हमें उपाय क्या करना चाहिए? हमें उपाय यह करना है जिसे हम तेज पत्ता बोलते हैं। तेज पत्ता दो आपको लाना है और यह देखना है कि दो तेज पत्ता आप लाए हो वो कहाँ से खंडित तो नहीं है, ये आपको अवश्य चेक करना है। और थोड़ा सा साबुत नमक लाना है, एक छोटी सी पाउच हो या थैली हो, कपड़े की थैली होनी चाहिए, उसके अंदर वो दोनों चीज बांध लेनी है और बांधने के बाद में या तो उस मरीज यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसके तकिए के नीचे रखिए, या फिर सबसे ज्यादा जो जहां पर उनकी दवाइयां हम रखते हैं उस जगह पर आप रखना शुरू कर दीजिए। काफी हद तक उन्हें भी आराम मिलेगा और हमारे घर में जो दवाइयां पर दवाइयां सुबह शाम जब देखो तब दवाइयां आती रहती है वो भी कम हो जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय है, अचूक उपाय है, इससे बहुत लाभ मिलता है। हमारे पूर्वजों ने भी ये बात जो कही है कि दुआ और दवा दोनों एक साथ कार्य करती है, इसी प्रकार हमें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और किसी को ऐसा लगता है कि बीमारी कुछ ज़्यादा हद से बढ़ी हुई है और हमें यह उपाय करने के बाद में भी हमें ऐसा लगता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें सुबह और शाम उनको गायत्री मंत्र का पाठ सुनाना चाहिए, यानी कि गायत्री मंत्र उनको सुबह और शाम अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे साथ में जब हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं या पूजा स्थान पर बैठते हैं तो हमारे साथ में, हमारे पूरे शरीर के साथ में एक ऊर्जा जो है वो अपने शरीर से ही निकली हुई ऊर्जा रहती है मगर वो हमारे साथ चलती है। उस ऊर्जा के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी अंदर घुस जाती है जिस वजह से आदमी, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाता है, तो उससे दूर रखें। तो उसका भी एक उपाय है, उसका उपाय क्या करना है, ब्रास कपूर लेना है और लौंग जो होती है वो रखनी है। लौंग और ब्रास कपूर की पोटली बनाकर उनके पास में रख दीजिए, उनकी जो खुशबू होगी जब वह पोटली उनके पास में रहेगी वो खुशबू जो छोड़ेगी, उस खुशबू को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारे आसपास की जो ऊर्जा है उसमें काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीमार व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है और ऐसा उपाय है कि हमारे घर में भी बीमार व्यक्ति जब सोया रहता है, जिस बिस्तर पर सोया रहता है उस बिस्तर के आसपास अलग ही खुशबू आती रहती है, दवाइयां की हो या फिर उनके शरीर से निकलने